को लेकर सियासत जारी है। इस कड़ी में मुजफ्फरपुर के भारतीय जनता पार्टी सांसद अजय निषाद ने आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने तवलगी जमात के लोगों को आतंकवादी करार दिया है, साथ ही उनके खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि मदरसों में पंक्चर बनाने की शिक्षा दी जाती है। मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने कहा कि कोरोना संक्रमण में आई तेजी के लिए तवलगी जमात जिम्मेदार है, इसके सदस्य आतंकवादी है, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, हम तो शुरू से बोल रहे हैं, मेरा देश जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारा चीज़ कंट्रोल में चल रहा था। जो पहला लॉकडाउन हुआ तो पूरा सक्सेस था, बीमारी की संख्या भी बहुत कम थी। लेकिन ये जो न्यूसेंस सारा क्रिएट हुआ तबलीगी जमात के कारण, कि इससे जो भी कोरोना पीड़ित जो लोग थे तबलीगी जमात के, उन्होंने पूरे देश में फैल के कोरोना को बढ़ाने का काम किया। अब इसका क्या कारण रहा, क्यों ऐसा किए, उसके नेता जो मोहम्मद साद थे वो बोले कि हम खुद 14 दिन के क्वारंटाइन में हैं, 14 दिन के बाद आके सरकार को अपना पक्ष रखेंगे। वो 14 दिन कब का पूरा हो गया, अभी तक ले वो कोई आके अपना जो क्या बोलते हैं उसको देना चाहिए उनको बयान, क्या कारण से ऐसा वो किए, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सारा देश, मैं ही नहीं पूरा देश मान रहा है कि अगर भारत में कोरोना की संख्या बढ़ी है तो उसके पीछे जो है तबलीगी जमात के लोग हैं। क्या करना चाहिए उनको, आपने बताया? मैं तो शुरू से बोल रहा था, जो भी व्यक्ति या संस्था मेरे देश, मेरे संविधान और यहाँ के देशवासी के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसको आतंकवादी के श्रेणी में लाना चाहिए, उस पर उसी के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। जमाती को भी आतंकवादी के श्रेणी में लाना, एकदम लाना चाहिए। ये लोग कभी भी सिंपैथी के, अभी तक जो आ रहा है पिक्चर उसमें कहीं से ये लोग माफ़ी के काबिल नहीं है, और इन पर कार्रवाई कड़ा से कड़ा होना चाहिए ताकि आने वाले जो लोग हैं इससे शिक्षा लें कि अगर भारत के खिलाफ अगर हम कुछ करेंगे तो भारत का संविधान ये कहता है और भारत के कानून ये काम करती है। मदरसा के बारे में बता रहे थे कि आप, नहीं, मदरसा के बारे में मेरा ये कहना है कि जो भी गरीब, देखिए सारा जो ये न्यूसेंस जो क्रिएट होता है वो होता है अज्ञानता के कारण, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। जो भी गरीब मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, सारा का शिक्षा होता है मदरसा में। बच्चे क्या है, कोरा कागज़ है, उनके दिमाग में शुरू से ही जो इस्लाम नहीं मानते हैं उनके बारे में गलत गलत बातें बताई जाती हैं। कोरा कागज़ बच्चा का दिमाग रहता है, उसमें मजबूती से बैठ जाता है, और बच्चे जो है वो कभी भी भाईचारे की बात नहीं सोचते हैं, देश की बात नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ इस्लाम के ही बारे में सोचते हैं। तो इस कारण से जो है न्यूसेंस पैदा हो रहा है। हम बराबर कह रहे हैं कि इस्लाम, जो भी मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो उनका शिक्षा दीक्षा तो जीरो होता है, अफसर तो ये बनते नहीं हैं। बनते हैं क्या, तो ये तो गैरेज में मिस्त्री का काम करते हैं या पंचर की दुकान बनाते हैं। सीधे तौर पे आतंकवादी मानते हैं आप जमाती? एकदम, जमाती को तो अभी तक तो जो सीन आ रहा है उसमें तो आतंकवादी की श्रेणी में इनको रखा जा सकता है। मुजफ्फरपुर से वर्षा के साथ अरविंद अकेला की रिपोर्ट।